Start this, Ready, 1, 2, 3, start. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. बहुत दिनों के बाद मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ब्लॉग्स पोस्ट करूँ, और मतलब फिलहाल तो आप लोगों को पता है कि मेरा चैनल पूरा डेड हो चुका है, उसको अभी पूरा रिवाइव करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे डेली पूरा जल्दी जल्दी शूट करना पड़ेगा। वैसे भी अभी लॉकडाउन है तो मैं शूट कर सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत आलसी हूँ इसीलिए शूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिलहाल तो आज क्या बोलते हैं अभी माइक ऑन कर लेता हूँ, अभी इसमें बात करना पड़ेगा क्योंकि गरीब लोग, हमारे पास माइक नहीं है। मेरे चैनल के स्टार्टिंग से मैंने हेयर स्टाइल और हेयर कटिंग का कंटेंट रखा है। आप लोगों में से बहुत से लोग वो कंटेंट पसंद भी करते हैं, इसीलिए मैं ट्राई करूंगा कि महीने में एक बार ऐसा कंटेंट डालने की। और मैं आप लोगों को ये बात बोलना चाहता हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल वीडियोस पूरा जल्दी जल्दी पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है मैं बहुत कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं वीडियोस बहुत लेट करता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वीडियोस लेट डालता हूँ इसीलिए आलसी हूँ, या आलसी हूँ इसीलिए वीडियोस लेट डाल रहा हूँ। मतलब बहुत कम। तो गाइज मैं आप लोगों को मेरे अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। पहले मैं भी अपने हेयर स्टाइल पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत लंबा हो गया, मेरे हेयर स्टाइल पे, अपने कपड़ों पे बहुत ध्यान दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, लोगों को एक्सपीरियंस करता गया, लाइफ लेसन ब्ला ब्ला ब्ला, इन सब के बाद मैं आप लोगों को कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपको हमेशा अपने पर्सनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने लुक्स पर। आप किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंजर को देख के या किसी आई कैंडी टिकटॉकर को देख के अपने बालों को हरा नीला पीला करने से पहले ये मत सोचना कि लोग आपको उसके बाद पसंद करेंगे। लोग आपको पसंद करेंगे आपके काम से। जब लोग आपको अपने काम से पसंद करेंगे तब लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे। ऑलवेज रेस्पेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, नॉट फॉलोअर्स। थोड़ा आई कैंडीज बन के आप थोड़ा फॉलोअर्स को कमा लोगे, लेकिन रेस्पेक्ट आपको थोड़ी कम मिलेगी आपको। गाइस ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स। कभी कभी गर्मी में खा लेना आइसक्रीम्स, लेकिन ऑलवेज बी योर सेल्फ। किसी और को इम्प्रेस करने के लिए आप अपने आप को किसी और की तरह बना लोगे, उसके बाद आप लोग आपको पसंद करेंगे, लेकिन वो भी नहीं चाहिए। ऑलवेज बी योर सेल्फ, उसके बाद आपको कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो लोग आप जैसा हो वैसे रहने से भी जो लोग आपके साथ रहेंगे वही असली लोग हैं, वही चाहिए। बहुत बकवास हो गया, अभी काम की बात करते हैं। बहुत दिनों से मैं अपना हेयर कट नहीं किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो पूरा लंबा हो गया बाल, अभी इसको काटना है। थोड़ा छोटा सा शॉर्ट हेयर स्टाइल कुछ ट्राई करेंगे। अभी सैलून पे जाते हैं, अभी बहुत मोटिवेशन में बातें हो गई, इस कान से सुना इस कान से निकल दिया, बाकी सब ठीक है, सब नॉर्मल है। अभी फिलहाल के लिए हेयर कट करते हैं, देखते हैं क्या। तो गाइस फाइनली मैं अभी सैलून में पहुंच चुका हूं, और अभी हेयर कट करेंगे क्योंकि मैं सबसे बाल है तो हेयर कट करना पड़ेगा। तो लॉकडाउन के बाद इसको थोड़ा सा अच्छा नॉर्मल इंसान जैसा लुक देने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो पूरा मतलब खूंखार जानवर जैसा लग रहा हूँ, फिर शॉर्ट होगा, थोड़ा सा फेड करके, और जो ऊपर है ना ऊपर थोड़ा शॉर्ट करके उसको उठाया। मतलब सिंपल रहने से होगा, इतना स्टाइल नहीं करते आप, स्टाइल कर रहे स्टाइल रहने से वही है। तो पूरा क्लासिक रहने का, सिंपल रहने का वही बेस्ट है। तो फिलहाल के लिए देखते हैं क्या। हाय गाइस, फाइनली मैंने अपना हेयर कट कर लिया है। तो इतना फंकी भी नहीं, एकदम सिंपल सा हेयर कट किया है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
पूरा सिंपल एंड शॉर्ट कर लिया दोनों तरफ से, इधर से थोड़ा फेड, इधर से थोड़ा फेड और ऊपर से पूरा शॉर्ट। आप लोग बताना कितना लंबा था, अभी शॉर्ट कर लिया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं बहुत सा नया नया कॉन्टेंट के बारे में सोच रहा हूँ जो अगले वीडियो में पोस्ट करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना कि आप लोगों को ये हेयर स्टाइल कितना सिंपल लगा। सो इट वॉज अ सिंपल व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड देखते हैं क्या होता है।